गाइस, कैसे हो? मैं हूँ मेहताब मलिक और आप देख रहे हो मलिक ब्लॉग। नाश्ता वगैरह कर लिया है सुबह सुबह और आज गई भी लाइट, तभी अंधेरा दिख रहा है आपको। लाइट चलेगी है सुबह सुबह और वीरवार है आज, पीर पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे उसमें। अच्छू कर रहा है मोटरसाइकिल स्टार्ट, आवाज मेरी शायद आ रही होगी, आपको नहीं आ रही होगी नहीं पता। इनके लगे है स्कूल पर इन्होंने आज फिर छुट्टी मार ली है, मना ने भी छुट्टी मारी है। और बैक फायर मार रहा है अंशु, उसमें मोटरसाइकिल मेरा। पीर पे माता हूँ, देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं ऑफिस, निकलते हैं यहाँ से। आज बाजार बंद ही लग रहा है मुझे। फ्रेंड घर पे तो धुंध नहीं थी, तो यहाँ देखो पुल नज़दीक आने वाला, तो धुंध कितनी दिख रही होगी आप, धुंध बड़ी हुई है, बढ़िया वाले ठंड लग रही है ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने पर, और धूप भी आ रही है हल्की हल्की। देखो आ जा गई है पुल पे धुंध आ गई, देखो सामने कुछ नहीं दिख रहा, रिश्म सिनेमा तक नहीं दिख रहा है, नदी में आई है धुंध। फ्रेंड ऑफिस पहुंच चुके हैं और मेरे साथ बैठा है ताजिम, और आज अभी सतीश की छुट्टी है, सतीश आया नहीं आज और सर भी नहीं आया अभी तक। बाकी निकलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह पी के चलते हैं। फ्रेंड सुबह थी, देखो कितनी धुंध थी और अब धूप निकली भी बढ़िया वाली। और राकेश क्या कह रहा है? राकेश को क्या कहना सर, ठंड हो रही है जी, सेंसर को बंद करो, मोबाइल ले आओ, टाइम पास करो। राकेश ने लेना है मोबाइल, इसका मोबाइल ना टूट गया है, वो पानी में गिर गया था, टूट भी गया, पानी में गिर गया था, पानी में गिर के डेड हो गया। इसको फ़ोन आता है, इस बंदे को फ़ोन आता है घर पे, तो घर पे फ़ोन बताऊँ क्या आता है, कहते जहाँ पर इसने फ़ोन दिया हुआ था, फ़ोन करके कहता है, इसकी घरवाली ठहती है, कहता है जी राकेश एक्सपायर हो गया है, वो फ़ोन कहना भूल गया, तो घरवाली फटाफट उठ के राकेश के पास गई, देखा भी जिंदा ही है। तो फिर उसने कहा जी फ़ोन एक्सपायर हो गया राकेश का, तो उसकी घरवाली ने यूँ ऐसे ही गाड़ियाँ निकाली ना उसको, बस पूछो ना, है ना राकेश, क्या हुआ था, क्या हुआ था बता दे। फोन आया और सीधा ही बोल दिया कि जी फोन राकेश एक्सपायर हो गया, राकेश अभी तो यही था। शुक्र करो आस पास ही था, नहीं तो उसकी घरवाली ने रोना शुरू कर देना था। होता रहता है, अब जियो का फ़ोन ले रहा है छोटा सा, 1500 रुपये का जो आता है उसमें अपनी सिम डाल लेगा। अभी जियो वाला आ गया है, जियो का फ़ोन ले रहा है, देखो ये वाला जियो का फोन ले रहा है। किसी इमोज में जियो की करेगा ना राकेश, अब इसको करेगा अनबॉक्सिंग। और ये भाई साहब आए हैं देने इसको मोबाइल जियो से, लो जी खोलो जी। ये बहुत ही अच्छा ब्रांडेड फ़ोन है, सस्ता है भैया, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, अभी आपको पूरा खोल के दिखाएंगे, अंदर से शायद काला हो सकता है, बाहर से तो बिजली है। हेलो, कर दी इसने अनबॉक्सिंग इसकी ना। मेरा जन्म उल्टा हुआ है इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ, इसे उल्टा ना करें तो कोई। यह इसका चार्जर छोटा सा, ये देखो चार्जर, देखो इसका ना बिल्कुल हल्का सा चार्जर है, छोटा सा जियो का। वाओ, कागज़ गिर गया नीचे, फ़ोन भी गिरने लगा था अभी इसका, एक और लेना पड़ जाता अभी इसको। और ये है फ़ोन देखो जियो का, ये बैटरी है, बैटरी लगाएगा अभी,
फोन खोलेंगे, बैटरी लगाएंगे इसमें। सर को दिखाओ ना, ये देखो कैमरा भी है इसमें, बिल्कुल कैमरा है इसमें। टॉर्च देखो कितनी बढ़िया टॉर्च भी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने मर्जी आप उस नंबर दे देना आपका, कोई प्राइस तो सेम ही है सर। ये खुल गया है, अभी सिम नहीं है इसके अंदर, बैटरी डालनी है, सिम डालना है। ये बैटरी आके इसकी डाल लो सारे दी, बैटरी बैटरी तभी डालेंगे ना सिम डाल के। अभी सिम डलेगी इसमें थोड़ी देर में, अभी इसको चला के देखते हैं। ये इसकी बैटरी, बैटरी डालते हैं, डल गई बैटरी। बैटरी डल जा भाई, बैटरी डल गई और इसको करते हैं अब ऑन। तो निकल जाएगा ऑन हो गया। जियो भारत, इधर नितारेगा जियो भारत का जगह कहाँ है ना, नितारेगा तो आगे रहेगा। चलो हो गया, 12 बज गए इसमें 00 टाइम। 10 मिनट के बाद लगोगी सर, ऑफिस से कर ली है छुट्टी। ये देखो नजारा, आज धुंध पड़ेगी, धुंध ज़्यादा होएगी। देखो सामने धुंध कितनी पड़ी हुई है और बारिश भी लग गई है। वाव, बारिश हो गई है, आज बूंदे गिर रही है। और निकलते हैं यहाँ से ना, ये देखो अगर निकल हो गया। ठंड बहुत है और हम खड़े अभी बस स्टैंड पे आए हुए, दवाई लेने आए थे। सिलाई से दवाई आई है, राकेश और सतीश का फोन आया था तो वो दवाई लेने आए हुए हैं। नहीं, और खड़े हैं बस का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बस आई थी उस पर थोड़ा सा पूछा था तो उससे पिछली बस भी आ रही है, रुकना पड़ेगा हमारे थोड़ी देर। तो फ्रेंड घर आ गया वापस और थकावट हो गई है, बाहर धुंध बहुत ज्यादा डली हुई है। और ये आ गया अंशु मेरे पास, क्या कह रहा है पापा फोन एक्सचेंज करवा दो ना। फोन एक्सचेंज नहीं कर गाइस, मेरे ना अपडेट नहीं आए तो इसमें वो नहीं चलता इंस्टाग्राम। फोन अपना पैसे कमाओ अपना लो। तो फ्रेंड अभी खा रहे हैं मूंगफलियां, खा रहे हैं, डब्बा रखा हुआ सेंटर में। और ये देखो कितने चिल्ले कर दिया खा के। आज हमने रिकॉर्ड बनाना है, सारा डब्बा खाली कर, सारी हमने खाई है ये वाली। गाइस सारा डब्बा खाली करना हमने ना, डब्बा तो क्या खाली होएगा, बाकी कर सकता है अंशु डब्बा खाली, हमसे तो नहीं हो पाएगा है ना। अंशु बेचारा सुखड़ है। फ्रेंड इधर बना रही है रोजी, रोटियां बना रही है और पानी गर्म कर रही है। आज बनाए आलू कोफ्ते और पानी गर्म, यानी कि सर्दी है, गर्म पानी पीना चाहिए। और मम्मी कर रही है तैयारी मक्की की रोटी की, बीच में क्या डाल के मेथी है, मक्की की रोटी और मेथी। और मना नहीं देख रही है आज, मना पता नहीं कहाँ गई। तो फ्रेंड डिनर आ गया अपना, डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद मिलते हैं आपको दोबारा। फिर खाना खा लिया और बर्तन रख दिया और सुबह के लिए मेथी होगी तैयार और सुबह बनेंगे मेथी के परोठे। फ्रेंड मना आ गई है अपनी बड़ी मम्मी बड़ी माँ के घर से और होमवर्क कर दिया अपना, और अभी तक इसका होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ। इसकी मम्मी भी साथ में लगी हुई है, देखो दोनों ही होम अपना स्कूल का काम कर रहे हैं, मना और मना की मम्मी। मना क्या हुआ बता दे, कितने दिन की छुट्टियां दे तेरी? 7 दिन में तेरे से होमवर्क नहीं हुआ है? पापा अंशु भैया ने किया भी नहीं एक कॉपी का भी है, हमारी प्रैक्टिकल फाइल है ये पढ़ा है अंशु मेरे साथ। और बना कह रही है कि अंशु का एक भी कॉपी का नहीं हुआ है, क्या बात अंशु?
प्रैक्टिकल फाइल ऐप में भी बताएगी वो। ओके प्रैक्टिकल फाइल है, चलो कोई नहीं देखते हैं, कल पता लगेगा, कल स्कूल जा रहे हैं, 7-8 दिन की छुट्टियाँ होती हैं इनकी, छुट्टी के बाद अब कल जाएंगे स्कूल, कल स्कूल जाएंगे, परसों फिर छुट्टी है इनकी परसों की, और फिर 22 तारीख को जो ओपनिंग है अपना राम मंदिर की, उसकी फिर छुट्टी हो जाएगी इनकी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं सुबह नए दिन नई जगह पे।